आदर्श नगर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार भाटिया के समर्थन में मेंदा पार्क रसीला पेंट के पास आज एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। यहां पर आए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं अन्य राज्य से विधायक के अलावा आदर्श नगर के पूर्व प्रत्याशी रविंदर खुराना, पूर्व पार्षद अश्विनी होजा, मंडल अध्यक्ष नितिन गोयल, जिला पूर्वांचल मोर्चा नेता अविनाश सिंह, युवा भाजपा नेता आनंद नेगी आदि राजकुमार भाटिया के समर्थन में विचार रखे और नुक्कड़ सभा को संबोधित कर भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। नुक्कड़ सभा में राजकुमार भाटिया ने भी पहुंचकर नुक्कड़ सभा को संबोधित किया और अपने लिए वोट मांगे। टोटल खबरें के संवाददाता ने जब श्री भाटिया से बात कर क्षेत्र की समस्या और उनके चुनावी मुद्दे के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा। भाटिया जी, आपने पद यात्रा करी, आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं, तो किस तरीके की आपको समस्या देखने को मिली दर्शकों विधानसभा में? देखिए जी, समस्याओं का तो कोई प्रकार नहीं है, लेकिन सब समस्याएं देखने को मिली, क्योंकि समस्या जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ सिर सिर नजर आता है। आप गिनती नहीं कर सकते कि यहाँ कौन से लोग रह रहे हैं। तो मेरे को तो समस्याएं दिखी और कुछ दिखा नहीं है जी अभी तक। तो आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप? मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि दिल्ली से केजरीवाल सरकार जी की विदाई कर दी, उनको भेजना है दिल्ली से बाहर, क्योंकि आंदोलन से उपजी हुई सरकार आंदोलन करना जानते हैं, प्रशासन नहीं चला पाए, झूठे वायदे करते रहे, एडवर्टीजमेंट में पैसे खर्च करते रहे, जनता के टैक्स को उन्होंने फिजूल खर्ची में उड़ाया है। और आदर्श नगर की जनता जहाँ भी जा रहा हूँ वो कह रहे हैं कि विधायक जी ने जो किया है एक बारी पूछ के बता दो। मैं कोशिश करूँगा कि विधायक जी किसी मंच पर आकर उसका जवाब दें कि उन्होंने क्या क्या किया, जो जो काम किया वो नज़र आने चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ लोग आपसे बात कर रहे थे, वो कुछ समस्या के बारे में बता रहे थे, तो क्या गंभीर समस्या है दर्शन विधानसभा की? सर, अभी जो लोगों ने समस्या बताई, अपनी सड़कों की समस्या बताई, स्कूल की समस्या बताई, खेल के मैदान की समस्या बताई, और एक ऑटो चालक ने ट्रैफिक रूल में अमेंडमेंट करने की बात करी, जो मैं अपने नेतृत्व से बात करके कोशिश करूंगा कि उसको सुलझाया जाए। नुक्कड़ सभा में आए लोग राजकुमार भाटिया का संबोधन सुनकर काफी संतुष्ट नजर आए। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।